झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इस बार का जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था 28 जनवरी 2024 को, 40 में से 38 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछे गए हैं। तो अगर जो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही कर लेते हैं तो आपके लिए सिलेक्शन के लिए काफी है, कोई इधर उधर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। शुरुआत करते हैं। झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पुष्प पलाश, पलाश जो लाल रंग का होता है, और राजकीय वृक्ष साल। ठीक है, तो ये झारखंड के कुछ राजकीय पक्षी राजकीय पुष्प हो गया। झारखंड में कुल 33 जनजाति है, 33 जनजाति। ठीक है, पहले 32 जनजातियां हुआ करती थी, लेकिन 8 अप्रैल 2022 के बाद कुल 33 जनजातियां हैं। ठीक है, 32वां जनजाति कौन सा हो गया? कोल। कोल जनजाति 32वां जनजाति है और 33वां जनजाति हो गया आपका पुराना, पुराना नाम का जनजाति है 33वां जनजाति। ठीक है, इन जनजातियों में संथालों की जनसंख्या सबसे अधिक है। संथाल जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। जो प्रमुख जनजातियां हैं वो ध्यान रख लीजिएगा, संथाल, कुराम, मुंडा, ओ, ये सब के सब क्या प्रमुख जनजातियां हैं झारखंड में। ठीक है, झारखंड में पचहत्तर प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है। जब 75% लोग कृषि पर निर्भर, तो कृषि का काम कौन करता है? गांव के लोग। तो 75.95% ग्रामीण जनसंख्या है झारखंड का। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या झारखंड के 75.95% लोग। झारखंड को महाभारत में पुंडरिक देश या पशु भूमि के नाम से जाना जाता था, पुंडरिक देश या पशु भूमि के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
झारखंड को मुन टॉलमी ने मुंडल कहा था। टॉलमी टॉलमी ने क्या कहा था? मुंडल के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, मुंडल। ठीक है, और मुगल काल में झारखंड को कुकरा कहा जाता था, कुकरा। ठीक है, और भी अलग अलग समय में अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि ये महाभारत में ही एक जगह का नाम था किक्कट प्रदेश, किक्कट प्रदेश, जो आज का क्या हो गया, गिरिडीह, गिरिडीह को कहा जाता था। ठीक है, पाइका मुंडा जनजाति का लोक नृत्य है। मुंडा जनजाति का लोक नृत्य है, ये मुंडा जनजाति से संबंधित है, जिसमें लोग सैनिक के भोज भूसे में रहते हैं, इसमें लोग सैनिक के भेष भूसे में रहते हैं। ठीक है, झारखंड निवासी ललित मोहन राय, ललित मोहन राय, ठीक है, चित्रकला से संबंधित थे, चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है, चौदह में से आठ जनरल के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, पांच एसटी कैटेगरी के लिए है और एक एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ठीक है, 81 विधानसभा सीट है, 44 जनरल के लिए है, 28 एसटी के लिए और 9 एससी के लिए रिजर्व है। 14 लोकसभा सीट, 81 विधानसभा और 6 राज्यसभा का सीट है। ठीक है, यह एकल सदनीय व्यवस्था है, यहाँ पर है। एकल सदनीय कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो कुछ बेसिक जानकारी फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।